नहीं बन पाए ऋषभ पंत बादशाह, टीम की अधूरी रह गई ख्वाहिश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2022 के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच कल दिल्ली में खेला गया और भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। रिकॉर्ड बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना जरूरी था, जिसे टीम इंडिया नहीं कर सकी। ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इतिहास नहीं रच पाई और उनके लगातार जीतने का सिलसिला थम गया। पंत से उम्मीदें काफी थी, पर उस पर वह खड़े नहीं उतर सके। भारत लगातार 12 मुकाबले जीतकर अफगानिस्तान और रोमानिया के साथ संयुक्त रूप से खड़ा हुआ है। अगर कल टीम इंडिया जीत जाती तो 13 मुकाबले जीतने के बाद भारत पहला ऐसा देश बन जाता जिसने इतनी जीत दर्ज की हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डेविड मिलर और डूसन कल टीम इंडिया की जीत के बीच में आ गए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन दिल्ली की पिच बल्लेबाजी के लिए दूसरी पारी में बहुत आसान रही थी, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका टीम को मिला। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1 मैच जीतकर अफ्रीका आगे चल रही है। क्लीन स्वीप का भी सपना भारत का पूरा नहीं हो सका। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि किस तरीके से दूसरे मैच में ऋषभ पंत अपनी प्लेइंग 11 के साथ आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।